नमस्कार दोस्तों, आरएस 2021 के लिए टोटल 988 वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म आए, ये है लगभग 6,05,000। 6,05,000 लगभग 6.5 लाख के समथिंग आरएस के फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 6.5 लाख के समथिंग, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.5 से 2 लाख ज़्यादा है। पिछले साल लगभग 4.70 लाख, 4.5 से 5 लाख के लगभग भरे गए थे, इस बार 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है ये 27 को होने वाली है। 27 को गवर्नमेंट ने डेट दी है, लेकिन इसके एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए, इसके एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं हुए, तो यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि इसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगी, इसकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो 27 तारीख को एग्ज़ाम होगी उसी दिन RSRTC राजस्थान रोडवेज संघ ने कहा कि हम हड़ताल करेंगे। फर्स्ट रीज़न। सेकंड क्या है कि पटवारी का एग्ज़ाम होगा और आरएस के एग्ज़ाम में 2-3 दिन का गैप होगा, तो यार स्टूडेंट को अच्छा टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, पटवारी के सदमे से बाहर नहीं निकलेंगे और इस सदमे में घुस जाएंगे। थर्ड पॉइंट ये होता है कि सिर्फ एग्ज़ाम के फॉर्म भरे हुए 2 महीने हुए, जो SSC के छोटे मोटे एग्ज़ाम होते हैं ना, इनमें भी 3 से 4 महीने का टाइम मिलता है, तो ये 2 महीने का टाइम काफ़ी कम है, तो इस हिसाब से भी इसके पोस्टपोन होने की संभावनाएँ बढ़ जाती है। ठीक है, तो RS ज़्यादा मैं श्योर नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चांस है कि ये इसकी डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी देखो रेट का मामला अटका हुआ है, पेपर आउट इतने हुए जा रहे हैं, लगातार एग्ज़ाम करा देना ये एक तरीके की मूर्खता ही होगी। ठीक है, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे यार वो साइड में ना घंटी बज रही होगी, घंटी दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी हो, मैं उसकी सारी अपडेट पहले ही डाल देता हूँ, तो आपके पास सारी रिलेवेंट और ऑथेंटिक अपडेट आए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच।